छोटे से एक कमरे में एक छोटा सा था पौधा, मिट्टी थी उपजाऊ उसको बढ़ने से ना रोका। पोषण सारी मिट्टी से बस उस पौधे का होता, पूरा गमला खाली उसमें तन्हा वो था रोता। फिर तन्हा कुछ दिन बीते उसको तन्हाई अब आने लगी, उसी के गमले में उसके बगल कुछ नहीं जाने और आने लगी। नहीं जानों के ही संग वो हंसता खेलता, हिस्सा उसका कम हुआ कमजोरी झेलता। कमजोर पड़ा फिर रो पड़ा, बाकी पौधे सुखी थे। फिर एक पौधे ने पूछा कि जनाब आप क्यों दुखी हैं, पौधा क्या ही बोलता कि वजह तो इसकी तू ही है। पौधे ने बोला चिंता ना कर दोस्त मेरे, ऐसा कुछ नहीं है, देखभाल गमलों की करने आ गया था फिर माली। पौधा सूखने लगा तो उसने डाला उस पे पानी, अगल बगल पौधे के कई घास फूस थी आ गई। पौधे ने उम्मीद खो दी, देखा गमला फिर से खाली, खाली गमले में अकेला वो पोषण सारा उसका था। जिंदा हुआ वो फिर से, फिर भी माली को देख के गुस्सा था। पौधे ने जाना के उसके साथ ही उसको मार रहे थे, माली थे जो कि पौधे का भला असल में चाह रहे थे। पौधे हम इंसान हैं और माली वो भगवान है, घास भूसा अपनों के लिबास पहने हुए है वान है। मिट्टी है वो समय जो इनके पीछे हम हैं गवा रहे, अकेलेपन में मजा ना हो पर माली हमको सजा रहे। छोटे से एक कमरे में एक छोटा सा था पौधा, मिट्टी थी उपजाऊ उसको बढ़ने से ना रोका। पोषण सारी मिट्टी से बस उस पौधे का होता, पूरा गमला खाली उसमें मजे में बोता सोता। शेष मैं राज करने आया हूँ दुनिया पे भी दिलों पे भी। हरे कृष्ण।